नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम पुनपुन प्रखंड के पमार पंचायत में हैं और यहाँ पटना स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव की पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में आए पंचायत प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सा पंचायत? सोरंगपुर पंचायत से है। तो आप क्या हैं? सदस्य है, वार्ड सदस्य। तो अभी यहाँ आप आए हैं, क्या सोच रहे हैं MLC चुनाव को लेकर के? सोच रहे हैं कि अगर गरीब लोग का मदद करेंगे तो ही ना मेन है। गरीब किस लिए वोट देता है? कि हमको मदद करे, हमको सहयोग करे, इसलिए करता है। अच्छा अथी MLA खोजता है कि ताकि मुसीबत के टाइम भी हमको अच्छे से सहायता कर सके। तो आप यहाँ आई हैं तो मतलब ये आपको जो 3-4 प्रत्याशी हैं उनमें कौन अच्छा लग रहा? करणवीर सिंह यादव। यस सर। इन्हीं को आपको जिताना? यस सर। सोच लिया है? यस सर। सोची कि ना है? जी। सोची कि ना है, नहीं तो हम आते यहाँ पे, इनके सपोर्ट में तब ना यहाँ पे आए हैं। ये बताइए क्या खास बात है कि मतलब आप इनको जिताना चाहते हैं? ये है कि समाज के साथ है, गरीब लोग के साथ है, यही मेन आदमी। गरीब इसलिए वोट जीता, गरीब से अमीर से नहीं जीतता। जब भी कोई चीज़ काम होता है तो गरीब के पास जाता है। आप गरीब लोग के पास ये सहायता करेंगे तो इनका भाई सब कोई वोट देगा। तो इसलिए मतलब आप इनको जीता? हाँ। जीतने के बाद लगता है कि मतलब ये मतलब बेहतर काम करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं। क्यों हम लोग से ये जीतेंगे तो ये क्यों नहीं करेंगे? हम लोग को ध्यान देंगे, इसीलिए इनको जिताना जरूरी है। कर्णवीर सिंह यादव जी को आप वोट देना चाहते हैं, MLC बनाना चाहते हैं, तो क्यों, क्या वजह है? ये बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब को ध्यान देंगे, हमको ध्यान देंगे, इसीलिए इनको जरूरी है कि हम इनको वोट दें। हमको लगता है कि सबको ध्यान देंगे। कि आप जो और प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, राजनीतिक दलों के हैं, उन सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप मैम, आप कहाँ से आई हैं? बहरामा पंचायत से आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता देवी नाम है। क्या है? सुनीता देवी नाम है। वार्ड सदस्य हैं हम। लालू मुखिया जी के वोटिंग करेंगे और उसका साथ में विकास होगा गांव में। गांव में विकास होगा? हाँ, गांव में होगा, पंचायतों में भी होगा, विकास होगा। हम उसके वोटिंग हम करेंगे और हम विकास होना चाहते हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि विकास के लिए वोट दे रहे हैं, तो और उम्मीदवार हैं वो लोग भी आए होंगे आपके पास? हाँ, आयल हैं। इन्हीं को जिताना चाहते हैं? तीन के जिताना चाहते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक। आप बताइए मैम, आप का क्या नाम है और आप क्या हैं? पहले तो नमस्कार न्यूज वाले को, मैं खुशबू कुमारी पंचायत समिति बहरामा पंचायत से हूँ और करणवीर भैया को हम सपोर्ट करना चाहती हूँ और ताकि विकास हो और जितने भी गरीब लोग हैं सबको, जितने भी गरीब लोग उन लोग को मदद मिले बस, और क्या, और जितना तीन ही को चाहिए क्योंकि हमको ख्याल से लग रहा है कि सही है, अच्छा है। गरीब लोग को ध्यान देंगे। वार्ड नंबर 12 से हैं। क्या नाम है आपका? चिंटू कुमार। चिंटू जी, क्या सोच रहे हैं MLC चुनाव को लेकर? हम सोच रहे हैं लल्लू बाबू के वोट देने के लिए सोच रहे हैं। लल्लू जी को मतलब करणवीर सिंह यादव को क्यों आप सोच रहे हैं कि उनको हमको जिताना है? जैसे कि निर्दलीय हैं, निर्दलीय के हम समर्थन करने के लिए हम तैयार हुए हैं। और कोई खास बात? अब कोई खास बात नहीं है। क्षेत्र में क्या है, हवा क्या? हवा ठीक है, ठीक है। हाँ, इन्हीं का ठीक है। जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं। लल्लू मुखिया जी को जिताने के लिए सोच रहे हैं। जी। कौन सा पंचायत है, क्या नाम है आपका? बहरामा पंचायत। सोनू कुमार हमारा नाम हुआ, ग्राम पुरैनिया से। जी। आपने कहा कि लल्लू मुखिया जी को जिताना चाह रहे हैं, तो क्यों, मतलब क्या वजह है? निर्दलीय उम्मीदवार हैं और निर्दलीय हम भी इलेक्शन लड़के जीते हैं,
इसीलिए सोच रहे कि निर्दलीय के ही उम्मीदवार को चयन किया जाए। और कौन सा पंचायत है और आप क्या हैं? मेरा नाम गंगा कुमार हुआ, ग्राम पंचायत लखनपाड़, वार्ड संख्या 14 से 12 सदस्य हैं। जी, ये बताइए कि अभी एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? अभी एमएलसी में आपको लोग वोट डालेंगे, तो कौन से उम्मीदवार हैं जिनको आप चुनना चाह रहे हैं? हम लोग तो लल्लू मुखिया जी का चुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नेता है कि जो सब भी वार्ड के साथ संपर्क में हैं और सब वार्ड के पास गए हैं, और बाकी दो को हैं उनका कोई नहीं जानता है ना पहचानता है, खाली पार्टी के नाम पर उनको वोट देने वाला दे रहा है। बाकी ऐसा लल्लू भी है, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है, बहुत दिन से बहुत मेहनत किए, हर वार्ड के पास पहुँचे हैं। जी, ये बताइए कि सिर्फ यही वजह है कि आप उनको वोट करना चाहते हैं? जी, और अच्छा लग रहे हैं हम लोग के जो बात करने से, और लोग के तो पहचान में नहीं, जो प्रतिनिधि को पहचान में नहीं करेगा उसको वोट क्यों दें? हम लोग जो यही हैं कि सब वार्ड के साथ पहुँचे हैं, तो हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं।